अच्छा तो मौलाना एक मिनट, एक ब्रेक दो, विराम दो थोड़ा, इतनी स्पीड बोलोगे ये कोई समझ नहीं पाए तुम कौन भाषा बोल रहे हो। इनका सॉफ्टवेयर जो है हिंदी वर्जन अपलोड मौलाना। हाँ मौलाना हूँ, मौलाना हूँ। तुम मौलाना हो? हाँ। तो इसको जाने क्यों नहीं देना चाहते थे? क्यों जाने दूँ? क्यों जाने दे? ये हिंदू है। ये हिंदू है? हाँ। तो क्या हिंदू को विदेश जाना अपराध है? अपराध है? हमारे शरीयत में लिखा है। हाँ? हमारे शरीयत में लिखा है कि हिंदू काफिर है। तुम्हारे शरीयत में लिखा है हिंदू काफिर है? हाँ। अच्छा। हाँ। फिर मैं इसको जाने, इसको मारूंगा, इसीलिए तुम, मैं इसको मारूंगा इसीलिए आए थे इसमें थे। हाँ। तो वैसे हो बड़े अच्छे आदमी। अच्छे आदमी मौलवी है। मौलवी हो? बहुत भाषा ज्ञानी है हम। कई भाषा ज्ञानी हो? हिंदू काफिर है। हिंदू काफिर होता है? हाँ। सही बात कहे। तो इसको जाने नहीं दोगे? तभी तो हम जा रहे हैं। जाने नहीं देंगे? जाने नहीं दोगे? अभी तक तुम कहाँ थे? असर तुम्हारा यहाँ पड़ा हुआ, तुम कहाँ थे? हम तो वहाँ पे थे। कहाँ? दरगाह पे थे। दरगाह पे थे? अच्छा। अरे दरगाह। अच्छा पैदाइशी झूठे होते हो? पक्का? हम पैदाइशी झूठे हैं। पैदाइशी झूठे हो? मौलवी झूठे हैं। मौलवी झूठे हो? मौलवी तो ऐसे नहीं होते। तो हम झूठे मौलवी थे। अच्छा तुम झूठे मौलवी हो? मौलवी तो अच्छा आदमी होता है। तभी तो भोग रहे हैं हम। तभी भोग रहे हो? भोग रहे हैं। ये असली मौलवी जिसका असर पड़ा हुआ था, ये असली मौलवी, ये अभी जिंदा करके दोबारा लाए हैं। तो फिर से मार दिया जाए तुम्हें? सब लोग को मुक्ति मिली थी, हमको नहीं मिली, इसीलिए हम नहीं जाने देंगे। सबको मुक्ति मिली, तुमको मुक्ति नहीं मिली? संघार हो गया। संघार हो गया। संघार हो गया, इसीलिए तुम इसको नहीं जाने दोगे? नहीं। तो अब तुम आ गए हो तो अपना असर साथ लेके जाओगे? अब पता है तुम्हें? अब तुम फंस गए आंकड़े में दोबारा। आंकड़े में फंस गए? फंस गए तुम। बाबा फंसा दिए हमको, ये तो इसको हम ले चलते उधर ही हम इसको। अच्छा फंसा दिए बाबा? नहीं तो कहाँ ले जाते? वहाँ पे लेके जाते हम, वहाँ पे वहीं पे तमाम काम, वही काम तमाम करा देते। डायरेक्ट आईसीयू में लेके जाते। डायरेक्ट आईसीयू में ले जाते? आईसीयू में हम लेके जाते। अच्छा डायरेक्ट आईसीयू में ले जाते? अच्छा। अरे हम वो मौलवी पूरा हरामी मौलवी। हरामी मौलवी हो? एकदम हरामी। एकदम हरामी? पूरा हरामी। पूरा हरामी? हाँ। अरे यार तुम रंपट हरामी था? लंपट हरामी। अच्छे आदमी हो इसे तुम? आदमी तो अच्छा था, मगर आदमी अच्छे थे लेकिन लोगों ने अच्छा रहने नहीं दिया। रहने नहीं दिया। दाढ़ी आई ठीक कर लो अपनी पहले। दाढ़ी तो हाँ, क्या दाढ़ी है। दाढ़ी है मौलाना। हम तो कोई फंसाए, यहाँ फंसे हम, यही फंस गए, कोई नहीं फंसा पाता हमको। हम दुनिया को चुतिया बना के घुमा रहे हैं। दुनिया को चुतिया बना घुमाए? यही फंस गए, यही फंस गए। अरे बड़ा खराब जगह ही है। अरे हमको पहले ही तो वीडियो देखते ही मालूम पड़ेगा कि फंस गए दादा, फंस गए जाल में हम। अरे दादा दादा वीडियो देखते पता लग गया था कि फंस गए, फंस गए हम। अरे अरे वाह, बड़ा खराब जगह है वैसे ये तुम लोगों के लिए। अरे हमारे लिए बहुत खराब जगह। बहुत खराब है? हम तो वही पे ठीक थे, चुतिया बनाते हैं दुनिया को। सबको चुतिया बनाते थे? मुल्ला उल्ला हिंदू हिंदू सब आओ हमसे झरवाओ फुकवाओ, हम सबको चुतिया बना के जाओ, ठीक हो गए। हमारा काम ही यही है। सबको चुतिया। अरे मौलाना कुछ खाओगे? कुछ खाएंगे तो नहीं, कुछ क्या खाए बताओ। प्रसाद खिलाए बाबा? बाबा प्रसाद खिला दे। बाबा खिला दीजिए, आइए लो बाबा प्रसाद। ये बुद्धि सुधारक भस्म है, इसको खाने से बुद्धि सुधर जाता है। दिमाग खुल गया हमारा? दिमाग खुल गया? अब तुम्हारा दिमाग खुल गया? मन साफ है। अब इसको बताओ, इसको मारने का मन हो रहा है? अब नहीं, 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 नहीं। अब नहीं हो रहा है?
अरे बाप रे, नमाजी मौलवी है। नमाजी मौलवी हो तुम? नहीं नहीं, ये तो बड़ा भारी पाप हो रहा था तुमसे। बहुत पाप होता है, हम तो नमाज करते हैं। तो नमाज पढ़ते हो? पांच वक्त नमाजी हूँ। पांच वक्त नमाजी? बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अपराध हो रहा था तुमसे? अरे अल्लाह, या अल्लाह, बहुत अपराध हो रहा था हमसे, बहुत बड़ा अपराध हो रहा था। पांच वक्त नमाजी हूँ। ये आदमी वाकई बहुत अच्छा था, ये संगत में केवल बिगड़ गया। ये मौलवी आदमी ही अच्छा था। तो अभी तक कितना गलत काम तुम किए पता है? अरे बहुत गलत काम हम मत कहिए पर, है ना? बहुत गलती हुई है, बहुत बहुत किए गलत, बहुत गलत काम। ये बेचारा बच्चा बहुत, हाँ बहुत तंग, बहुत झेला, बहुत झेला। हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, हमारा दिमाग काम कर, दिमाग नहीं काम कर रहा था तुम्हारा? नहीं, अब कर रहा है, अब काम कर रहा है। ये लोग जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं ना, घटिया टाइप के आदमी, बहुत घटिया है। ये लोग बांध के तुम लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, गंदा काम कराते हैं, बहुत गंदा दिमाग बांध देते हैं, बहुत गंदा काम और गलत काम में लगा देते हैं। और ये तो बाबा ईसा इनको मिले, ये भस्म खाते बुद्धि सब गंदगी गायब है। तो हिंदू काफिर होता है? नहीं नहीं होता, काफिर नहीं होता, काफिर नहीं होता। मेरा भी पूर्वज हिंदू ही था। तुम्हारा पूर्वज भी हिंदू था? देखिए सारा ज्ञान खुल गया इनका, है अच्छे आदमी। अब सही, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आदमी अच्छे। कितना बड़ा अपराध हुआ है तुमसे? बहुत अपराध हुआ है, माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गलती किया। क्षमा आवाज मांग लो, हाथ बंद करके प्रणाम करो। बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। बाबा कहूँ या अल्लाह कहूँ, सब एक ही है, माफ कर दीजिए हमें, माफ। माफी मांग रहे, देखो दिल से माफी मांग रहे, दिल से मांग रहे, दिल से मांग रहे। अच्छे इंसान थे, अच्छा इंसान, आदमी अच्छे थे। तो अब इसका एक, इसके ऊपर एक उपकार करो फिर, अब तुम जितना अपना असर है समेट लो, ठीक? अगल बगल भी जो असर खराब वाला सब समेट लो, अभी पुण्य का काम करो, ये शबाब का काम, पूरा पुण्य का काम करें, है ना? पूरा पुण्य समेट लो, जिसमें खुशी खुशी ये जाए बाबा, इसीलिए पकड़वा के देखो यहाँ मंगा लिए विदेश जाने के पहले, इसको इसीलिए बुलाए कि इसका सब साथ शुद्धि सफाई हो जाए पूरा, फिर ये विदेश जाए। देखो तुम्हारे लोगों के ना चाहते हुए भी इसका पासपोर्ट बन गया, इसका वीजा आ गया, इसका टिकट आ गया, इसका डेट आ गया विदेश जाने का। सही बात, बाबा कृपा से हुआ ना, बाबा कृपा से हुआ। तो बाबा की कृपा इसको यहाँ तक फिर ले आई, ये फाइनल बिल्कुल अच्छे हो करके जाए विदेश। हमारा भी इच्छा है जाए। तुम्हारी इच्छा है ये जाए? ठीक है, तो चलो समेटो अपना सर, तुमको बाबा जहाँ भेजना चाहेंगे भेज देंगे, यहाँ के बंद समेटो अपना असर, अपना पूरा असर समेट लो, अगल बगल जो गंदगी दिख रही सारा असर समेट लो, सब आपका काम करो, एक तुम भेजो और खींच लो सारा, तीन बोलते निकल जाना पूरा उठा के, एक दो तीन। अब ये सात हवन कर लिए, दो अमावस्या कर ली है, अब देखिए असर इसको कहते हैं। उसके बाद आदमी को बोलता ना, हम तो अभी भी ठीक नहीं हुए, असर को निकालना भी एक काम है। अगर आप उसे नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाए, तो आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते। ये रहस्य भी करौली सरकार के दरबार में खुला कि भूत प्रेत और पूर्वज के अलावा असर भी कोई वस्तु है जो आपको पहले की तरह ही परेशान कर सकती है। और पूजनी बाबा और माँ ने दरबार में वो शक्ति खोली कि आप अपना असर भी निकाल के ख़त्म कर सकते हो। और नहीं तो असर नहीं निकल पाता था लोगों का, नहीं निकलता भी नहीं। ये इसी दरबार की महिमा है कि आपका असर भी निकलता है, आपको भी शक्ति दी है संकल्प की, कि संकल्प की शक्ति से आप अपना असर निकाल सकते हो। लोग नहीं निकाल पाते, तो हम तो बैठते हैं सुबह 10 से रात 10 तक, तो फाइनल है।
तब निकलता रहता है। आप कैसा हल्के लग रहे हो? कहीं भी भारीपन लग रहा हो जरा सा भी बताओ, चल के आओ जरा। आप सोचिए 8 साल से ये मौलाना इसको जाने नहीं देना चाहते, कैसे जाएगा? बैठो, आंखें बंद करो, खोलो, आप चेक करो कहीं कोई भारीपन, कोई दर्द, कोई उलझन किसी प्रकार का? आंखें बंद, खोलिए, बैलेंस, एक बताओ बैलेंस, आंख बंद, खोलिए, बैलेंस चेक, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है पप्पू। अरे यार पप्पू, पप्पू गोरखपुरिया। बहुत अच्छा मौलाना था, तुमको जाने से रोकता था तो उसको लाए पकड़ के हम दोबारा। अब अपना असर भी लेके गया पूरा, दूसरों का भी समेट के ले गया, एकदम बुद्धि देखो पलट गया उसका, अच्छा बन गया। तुमको अच्छा अच्छा लग रहा हो, हमको एकदम सही हो गए हैं। हम तो लग रहा है कि गंगा से नहा के आ गए, गंगा से नहा के आ गए ऐसा लग रहा है। अरे गुरु जी तो फ्रेश है, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। ऐसे ही होता बेटा, इसीलिए बाबा तुमको यहाँ बुलाए कि पप्पू को बिल्कुल एकदम फ्रेश करके भेजना है विदेश। देखिए ना इतना दिन से दूसरे, मैं पासपोर्ट लगाता था दूसरे का आया था मेरे को, मैं जाऊँ घर चला रहा था। अभी बाबा से एक बात बोला, बाबा कि मेरे को विदेश भेज दीजिए तुरंत। दूसरे का आ जाता था पासपोर्ट तुम्हारा, तो कैसे चले जाता था? हमारा वीजा ही नहीं जाता था, दूसरे के बाजू में आ जाता था, हमको कैंसिल हो जाता था, तुम्हारा कैंसिल हो जाता था। बाबा से आके माता जी से बोला हमको भी आना है। जब बाबा माता से प्रार्थना किए तो आ गया तुरंत, आ गया। तो हम सोचे कि अब हमारा तकदीर ही खराब है कि अब तो तबीयत खराब हो गई, अब कैसे जाए। मैं बोला आज ही बोला था टिकट निकालने के, तो मैं बोला आज जाऊंगा नहीं, पहले बाबा के पास ही जाऊंगा। हाँ पहले हाजिरी लगाता हूँ, पहले उसके बाद जाऊंगा। वीजा और टिकट बाबा को सब दे देता हूँ। अरे गुरु जी चले ठीक बेटा, खूब खुश है, खूब खुश, बिल्कुल जाइए खुशी खुशी जाइए, बिल्कुल खुशी खुशी जाइए, एकदम स्वस्थ हो तुम। देखो तुमको फिटनेस मिली हुई, फिट का सर्टिफिकेट है, फिट एकदम बढ़िया, खूब खुश, बिल्कुल बिल्कुल मस्त रहिए, कमाइए खाइए, जब वापस आई जरूर आएंगे, ठीक है बेटा? आया हूँगा, हाँ ठीक, खुश रहो। मैं जरूर आऊँगा, बिल्कुल दरबार थोड़ी भूलूंगा, घर का दरबार है, ठीक है, खुश रहो।